दोस्तों, ये क्वेश्चन शंट रेजिस्टेंस का है जो कि हमें फाइंड करना है। अब ये शंट रेजिस्टेंस हम अमीटर में कैसे निकालेंगे, देखिएगा, सॉल्व करते हैं। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेज़रमेंट का एक शंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि अमीटर से रिलेटेड है। अभी मैंने एक और वीडियो इसमें डाला हुआ है जो कि वोल्ट मीटर से रिलेटेड है, आप उसको बहुत अच्छे से देख लें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ध्यान से कर लें। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आप सामने देख रहे होंगे, इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मीटर। टू कन्वर्ट अ मीटर दैट मीन्स आपको एक अमीटर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, आपको एक अमीटर दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 mA, ये आपको दी गई है। विद इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है 100 ओम, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसे आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन बोला था द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन अमीटर ऑफ 1 mA विद 100 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू अ 0 to 100 mA अमीटर। मतलब आपको इस अमीटर को कन्वर्ट करना है कितने में, आपको करना है 100 mA में। आपको इसमें कन्वर्ट करना है, 100 mA में कन्वर्ट करना है, 1 mA को 100 mA में करना है। तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी किसी अमीटर को हम या इसकी हम रेंज को बढ़ाते हैं तो इसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमें दोस्तों इसी की वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर है। और आपको इसकी रेंज कितनी कर देना है, इसकी रेंज आपकी इतनी होना चाहिए जो कि इसमें करंट जा रही है कितनी, 100 mA। ये आपको 100 mA की करंट होना चाहिए, 100 mA। आपको पता है इस नोट पर अगर आप चेक करो तो वोल्टेज कैसा होगा, समान होगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 100 mA, तो इस वाले में कितनी करंट आएगी, अगर हम ISH निकालें तो आपका आ जाएगा 100 - 1 = 99 mA, क्लियर है। ये 99 mA आपको मिल जाएगा तो ISH में। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये वोल्टेज दोनों में सेम है, तो वोल्टेज = क्या होता है, I into R। तो यानी कि I into R 1 × 10⁻³ इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है ओम। मैं डायरेक्टली कंसेप्ट से कर रहा हूँ, उसमें कोई फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। आप फार्मूला भी लगा सकते हो इसका, इतना हो गया। अच्छा, दूसरा फिर हम लोग क्या लग सकते हैं, ISH × RSH। तो ISH आप निकाल सकते हो, कितना निकाल लिया था आपने, 99 × 10⁻³, और RSH ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। I into R कर दिया, इसमें भी I into R कर दिया, क्योंकि दोनों पर वोल्टेज समान है। तो आपको RSH की वैल्यू निकालना है, RSH = आप इससे इसे कैंसिल कर देंगे, 100/99, क्लियर है। आप इससे आंसर निकाल सकते हो, क्लियर। 99 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 times आएगा तो 1 मिलेगा, फिर आप 00 करेंगे, ठीक है, तो 1.01 के अप्रोक्स आपको RSH की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसमें एक और कंसेप्ट कर सकते थे, इसी क्वेश्चन में आप एक फार्मूला लगा सकते थे। ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है RSH = Rm/m-1। दोस्तों, यहाँ पर m मतलब होता है I/Im, क्लियर है। I/Im जो आपको I दिया, जो 100 है, ये आपको I दिया गया है, क्लियर है। ये आपको Im दिया गया है, ये आप पुट कर सकते थे 100 mA। तो इसमें अगर पुट रखेंगे करेंगे तो RSH = Rm कितना है आपका, Rm है आपका 100 ओम, क्लियर। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू I/Im यानी कि 100 mA/1 mA, और ये -1, तो आप इससे काटते 100 - 1 = 99 होता, 100/99, ये भी आपको सेम ऐसे ही आता, तो भी आपको 1.01 ओम आता। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो बाय द डायरेक्ट मेथड, इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एंड इसे हम केस फर्स्ट भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ अनदर मेथड, अनदर और फॉर्मुलेटिंग मेथड। तो दोनों ही क्वेश्चन, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे जो कि यहाँ पे मैंने करके आपको दिखाया। तो आप अच्छे से आराम से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, पॉज करके मैंने कैसे इसकी वैल्यू निकाली गई है। इससे रिलेटेड आपको सॉल्व करना है तो मैंने और भी रिलेटेड कंसेप्ट अपने वीडियो में डाले हुए हैं, आप प्रीवियस वीडियो मेरे देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ध्यान से ताकि आपको अपडेट मिलते रहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, ये वीडियो को आप देखें, बहुत ज़्यादा शेयर करें जितना कर पाएँ। थैंक यू।